गुड मॉर्निंग क्लास। सो आइए देखिए, लास्ट क्लास हमने सेपरेशन बाय सब्लिमेशन पढ़ लिया था। हमने देखा था कि अगर हमारे पास सॉलिड के कुछ ऐसे मिक्सचर्स हैं जिसमें कि आयोडीन, नेप्थलीन, एंथ्रासीन, अमोनियम क्लोराइड, ऐसी कैम्फर, ऐसी चीज़ें हैं, तो आप इनको सब्लिमेशन मेथड से हीट करके, सेपरेट करके आप इनको अलग कर सकते थे। ये चीज़ हमने सीख लिया था। नेक्स्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं सेपरेशन बाय अ मैग्नेट। ये हमारा थर्ड पॉइंट है, सॉलिड सॉलिड को, सॉलिड सॉलिड के मिक्सचर को अलग करने का। ये बहुत सिंपल होता है। इसमें क्या होगा, कैसे कि आपको नाम को देख के पता चला मैग्नेट, यानी कि मुझे मेरे मिक्सचर में कोई एक ऐसा टाइप का कंपोनेंट चाहिए जो कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को शो करता हो। फॉर एग्जाम्पल मैं ले लूँ सैंड और आयरन फिलिंग्स, या आयरन पीसेस, या आयरन नेल्स, आप आयरन में कुछ भी ले लें, तो आप इस मिक्सचर को इस मेथड से अलग कर सकते हैं। कैसे, सैंड तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करेगा नहीं, क्या हम मैग्नेट लेके आएंगे तो उसमें सैंड चिपक जाएगा क्या, नहीं। लेकिन जब आप मैग्नेट लेके आएंगे तो ये जो आयरन के पीसेस हैं ये उससे चिपक जाएंगे और ये अलग हो जाएंगे। जब ये अलग हो जाएंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पर सैंड, यहाँ आपको सैंड मिल गया और वहाँ मैग्नेट के साथ आपको आयरन, फिर आप वहाँ से आयरन की पीसेस को आप अलग कर लेंगे, आपको दोनों अलग अलग हो जाएंगे। आप चाहें तो इसी तरह से, आप बताइए क्या आप इसी तरह से सैंड और सॉल्ट के मिक्सचर को भी अलग अलग कर सकते हैं, तो आप कहेंगे बिल्कुल नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, सिंपल है ना, कि देखिए जब मैग्नेट लेके आएंगे तो ना ही सैंड अलग होगा ना ही सॉल्ट, क्योंकि दोनों में से कोई भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को शो नहीं करता। तो आपको मेथड लगाने से पहले आपको देखना होगा कि क्या इस मिक्सचर में कोई ऐसा कंपोनेंट है जो इस प्रॉपर्टी को शो करता है या नहीं। अगर करता है तब तो आप उस मेथड की हेल्प ले, अगर नहीं करता है तो अपने मेथड को चेंज करें, दूसरे तरीके से सोचें कि और क्या ऑप्शन हो सकते हैं। समझ में आया मेरी बात, चलिए आइए डिस्कस करते हैं। अब आयरन इज अट्रैक्टेड बाई अ मैग्नेट, दिस प्रॉपर्टी ऑफ आयरन इज यूज टू सेपरेट इट फ्रॉम अ मिक्सचर। सबको पता है कि आयरन, ये आयरन के जितनी भी ऑब्जेक्ट्स होती हैं दे शो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, वो सब क्या करती है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करती है। तो अगर किसी मिक्सचर में आयरन या आयरन का ऑब्जेक्ट है तो वहाँ पर हम इस मेथड को यूज कर सकते हैं। सो इफ अ मिक्सचर कंटेन्स आयरन एज वन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट, इट कैन बी सेपरेटेड बाई यूजिंग अ मैग्नेट। तो आप हेडिंग तो बना ही लिए होंगे, अगर नहीं बनाए हैं तो बना लीजिए और यहाँ से लिखेंगे, ठीक है। तो इफ अ मिक्सचर कंटेन्स आयरन एज वन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट्स, कोई भी मिक्सचर में अगर आयरन या आयरन का कोई ऑब्जेक्ट है, देन इट कैन बी सेपरेटेड बाई यूजिंग अ मैग्नेट। तो हम वहाँ पर मैग्नेट का यूज करके उनको अलग अलग कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अ मिक्सचर ऑफ आयरन फिलिंग्स एंड सल्फर पाउडर कैन बी सेपरेटेड बाई यूजिंग अ मैग्नेट, यहाँ तक लिख लेंगे। क्यों ऐसा होगा, क्योंकि जब आप सल्फर पाउडर और आयरन पीसेस के मिक्सचर में मैग्नेट को लेके जाएंगे तो जितने भी आयरन के पीसेस हैं वो सब मैग्नेट में चिपक जाएंगे और वो अलग हो जाएंगे, और सल्फर आपको उसी कंटेनर में वैसे पड़ा रहेगा, और इस तरह से आपका आयरन और सल्फर दोनों अलग अलग हो जाएंगे। दिस इज बिकॉज आयरन फिलिंग्स आर अट्रैक्टेड बाई अ मैग्नेट बट सल्फर इज नॉट अट्रैक्टेड बाई अ मैग्नेट। दिस विल बिकम मोर क्लियर फ्रॉम द फॉलोइंग डिस्कशन। आप यहाँ तक नोट कर ले, इसके साथ साथ इसका रीजन भी नोट कर ले कि ऐसा क्यों होता है, यहाँ तक। तो आप इसको कंटिन्यू करते हुए यहाँ तक नोट कर लेंगे, कर लेंगे, ये आपके लिए होमवर्क, ये होमवर्क है। होमवर्क में आपको कुछ लिखना नहीं है, ये सिर्फ आपको घर पे पढ़ना है कि कैसे काम करता है। अभी मैंने जो एक्सप्लेन किया ना वही बात है। आप चाहें तो इस डायग्राम को हम एक बार एक्सप्लेन कर देते हैं, आप देख ले। एक चाइना डिश है, चाइना डिश का मतलब एक प्लेट है, इस प्लेट में सल्फर के पाउडर्स है और आयरन के फिलिंग्स, आयरन के फिलिंग्स से मतलब छोटे छोटे आयरन के टुकड़े हैं। अगर आप स्कूल में आएंगे तो ये चीज़ हम आपको करके भी दिखा देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो अब क्या हुआ, इसमें सब मिक्स है, दिख रहे होंगे यहाँ पे ब्लैक ब्लैक करके कुछ दिख रहा है, ये सब आयरन पीसेस हैं। जब आप इसके सामने मैग्नेट लेके आएंगे पास में, ये सब छोटे छोटे टुकड़े आगे क्या होंगे, इसमें चिपक जाएंगे और इस तरह से सारे फिलिंग्स यहाँ से अलग हो जाएंगे और इसमें सिर्फ क्या बच जाएगा, सल्फर पाउडर। ये मैग्नेट को आप दूर ले जाके इन पार्टिकल्स को अलग कर लेंगे तो आपका
आयरन के जो टुकड़े थे वो और सल्फर थे वो दोनों अलग अलग हो जाएंगे। यही चीज़ें यहाँ लिखी गई हैं, ये आपको होमवर्क है, आप आराम से पढ़ लेंगे बस। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं सेपरेशन ऑफ स्क्रैप आयरन। हाँ, कई बार आयरन के छोटे छोटे पीसेस जो कंपनी जो वगैरह होती है ना, जहाँ आयरन का ऑब्जेक्ट बनाया जाता है, छोटे छोटे पीसेस काफ़ी होती हैं और वो क्या करते हैं ना, कूड़े कचड़े में ऐसे चीज़ों में मिक्स हो जाती हैं, तो बड़ी मुश्किल होती है कि हम उसको कैसे निकालें, या तो हम उसको बर्बाद होने दें, या फिर अगर उसे बर्बाद होने से बचाना है तो हम कैसे बचाएंगे। वो इतने छोटे छोटे होते हैं कि हम हाथ से उसको चुन कर अलग नहीं कर पाएंगे, तो फिर मुझे क्या करना होगा। हाँ, आप ध्यान दें कि मैंने क्या कहा था, आयरन के छोटे छोटे टुकड़े, बहुत सिंपल है, हम बड़ा सा मैग्नेट लेके आएंगे और उस मैग्नेट में जितने भी आयरन के छोटे छोटे पीसेस होंगे सब चिपक के बाहर निकल जाएंगे और जो वहाँ पे कूड़ा कचरा था वो वैसे ही रह जाएगा। चलिए इसको हम समझा देते हैं, आप चाहें तो हेडिंग बना लेंगे इसको भी, सेपरेशन ऑफ स्क्रैप आयरन। वेस्ट मटेरियल सप्लाइड टू फैक्ट्रीज कंटेन अ नंबर ऑफ स्क्रैप मेटल्स इंक्लूडिंग आयरन। जितने भी वेस्ट मटेरियल्स इंडस्ट्रीज के होते हैं जिसमें कि आयरन ऑब्जेक्ट से रिलेटेड काम होते हैं, तो उसमें ढेर सारे अमाउंट में आयरन के छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। सो इन फैक्ट्रीज स्क्रैप आयरन इज सेपरेटेड फ्रॉम द हीप ऑफ वेस्ट मटेरियल बाय यूजिंग बिग इलेक्ट्रोमैग्नेट्स फिटेड टू अ क्रेन। आप यहाँ से लिखेंगे, इसलिए हम बड़ी बड़ी कंपनी में जहाँ पर ढेर सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं लोहे के और वो कूड़े कचड़े में हैं, तो उनको अलग करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट। अभी इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेट सिंपल सा होता है, हम मैग्नेट तो एक वो होता है जो हम घर पे देखते हैं और एक मैग्नेट ऐसा होता है जो कि हम इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से बनाते हैं। एक ऐसा भी मैग्नेट होता है जो कि इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से बनाई जाती है, जो कि आप 8th के साइंस में पढ़े हैं। अगर आप नहीं पढ़े हैं तो आप बिल्कुल परेशान ना हो, जब आप 10th में जाएंगे तो वहाँ फिजिक्स में चीज़ फिर से पढ़ाई जाएगी कि हम चाहें तो मेटल्स को ही मैग्नेट के तौर पर बना सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें वहाँ पे क्या यूज करना पड़ेगा, इलेक्ट्रिसिटी का यूज करना पड़ेगा। तो आप इलेक्ट्रोमैग्नेट्स, तो बड़ी बड़ी कंपनियाँ क्या करती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स यूज करती हैं, ये इनकी प्रॉपर्टी काम करने का तरीका बिल्कुल वही है, बस ये इलेक्ट्रिसिटी के हेल्प से काम करते हैं। इनको लेके जाती हैं तो जितने भी छोटे छोटे पार्टिकल्स स्क्रैप होंगे सब चिपक जाएंगे और अलग हो जाते हैं। अ मैग्नेट विच वर्क्स विद एन इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। अगर आपको नहीं पता कि इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है तो आप ये समझ लेना कि ऐसे मैग्नेट जो कि इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से काम करता है, यानी कि अगर आपने इलेक्ट्रिसिटी बंद कर दिया, सप्लाई बंद कर दिया, लाइट चली गई, तो उस केस में वो मैग्नेट की तरह काम नहीं करेगा। व्हेन अ क्रेन फिटेड विद अ पावरफुल इलेक्ट्रोमैग्नेट इज लोअर्ड ऑन द हीप ऑफ वेस्ट मटेरियल देन द स्क्रैप आयरन ऑब्जेक्ट्स प्रेजेंट इन द हीप क्लिंग टू द इलेक्ट्रोमैग्नेट। अब मान लीजिए ये पूरा कचड़ा का ढेर है, हीप का मतलब होता है ढेर, कचड़ा का ढेर, यहाँ ढेर सारा कचड़ा है जिसमें कूड़े कचड़े भी हैं और लोहे के पार्टिकल्स भी हैं। तो जब हम इस क्रेन की हेल्प से इस इलेक्ट्रोमैग्नेट को नीचे लेके आएंगे तो इसमें जितने भी लोहे के पार्टिकल्स हैं सब आके इसमें चिपक जाएंगे, जैसे यहाँ के चिपका हुआ दिखाया गया है, और जो कूड़े कचड़े होंगे, जो प्लास्टिक होगा, वहाँ पे कंकड़ होंगे, पत्थर होंगे, क्या वो भी चिपकेंगे, क्या वो कभी भी मैग्नेट में चिपकते हैं, नहीं ना, तो वो तो वैसे ही पड़े रह गए। और इस तरह से फिर हम इसको लेके चले जाएंगे और इसमें से लोहे को बाद में अलग हम कर लेंगे। अलग करने के लिए हमें मेहनत कुछ नहीं करना है, वो सिर्फ इसलिए चिपके हैं क्योंकि ये मैग्नेट की तरह काम कर रहा है और ये इलेक्ट्रोमैग्नेट है। जैसे ही मैं इलेक्ट्रिसिटी बंद कर दूंगा ये मैग्नेट की तरह काम करना बंद कर देगा, यानी ये जो चिपके हुए हैं ना ये सब अलग हो जाएंगे, यानी कि अगर आप यहीं पे स्विच ऑफ कर दें तो ये वापस जो चिपके सब इस पे फिर से गिर के मिक्स हो जाएंगे। तो हम क्या करते हैं, फिर क्रेन की हेल्प से इसको साइड में लेके जाएंगे जहां हमें इसको रखना है, वहां पर हम ले जाने के बाद इलेक्ट्रिसिटी फ्लो को बंद कर देंगे और ये जो सारे पार्टिकल्स पे चिपके हुए सब अलग हो जाएंगे और इकट्ठा हो जाएंगे। इस तरह से इस ढेर में जितने भी आयरन के स्क्रैप्स थे मैंने सबको अलग कर लिया है। देखिए, दिस क्रेन इज देन मूव्ड अप एंड अवे टू ड्रॉप दिस स्क्रैप्स इन आयरन ऑब्जेक्ट्स एट अ सेपरेट प्लेस। फिर हम क्या करते हैं, इस क्रेन की हेल्प से इस मैग्नेट को हम एक ऐसी जगह पर लेके जाते हैं जहां पर हम इन आयरन स्क्रैप्स को स्टोर करना चाहते हैं। इन दिस वे स्क्रैप आयरन इज सेपरेटेड फ्रॉम द हीप ऑफ वेस्ट मटेरियल्स। और इस तरह से हम किसी भी कूड़े के ढेर में से जितने भी आयरन ऑब्जेक्ट्स होंगे या आयरन ऑब्जेक्ट के पार्टिकल्स होंगे उनको वहाँ ले जाकर अलग हम कर सकते हैं। ये तभी काम आएगा जब हमारे पास ऐसे ऑब्जेक्ट्स हो जो कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करती हों, अदरवाइज ये किसी काम का नहीं है।
अगर आपसे कह दिया जाए कि प्लास्टिक और सैंड स्टोन इनका मिक्सचर है और आपको इनको अलग करना है, तो वहाँ पे इनका यूज बिल्कुल नहीं किया जा सकता, क्योंकि ना ही प्लास्टिक, ना ही सैंड और ना ही स्टोन, तीनों में से कोई भी पार्टिकल इस टाइप का नेचर शो नहीं करता कि वो मैग्नेट में चिपक सके। तो आपके पास ये डायग्राम है, आप देख सकते हैं। आपने एक चीज़ और देखा होगा, कई बार जो लोग काम करते हैं फैक्ट्रीज वगैरह में, तो उनके उनके बॉडी में या आइज में कई बार आयरन के छोटे छोटे पार्टिकल्स टूट के चले जाते हैं, तो फिर अब उनको कैसे निकाला जाएगा? बहुत सिंपल होता है, उनको निकालने के लिए डॉक्टर्स भी इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज करते हैं। उस इलेक्ट्रोमैग्नेट को जब वो पास में लेके जाएंगे तो वो आयरन पार्टिकल्स ऑटोमेटिक अट्रैक्ट होकर बाहर आ जाता है और इस तरह वो बाहर निकल जाता है। नेक्स्ट हमारा है सेपरेशन ऑफ मिक्सचर ऑफ ए सॉलिड एंड अ लिक्विड। अब तक जो हमने सेपरेशन पढ़ा था वो सेपरेशन किसका था? सॉलिड सॉलिड के मिक्सचर का था। अब हम जो पढ़ेंगे, अब सॉलिड लिक्विड का मिक्सचर पढ़ेंगे, यानी कि जब सॉलिड और लिक्विड, यानी कि एक टाइप का सॉलिड दूसरे टाइप के लिक्विड में मिक्स हुआ हो, तो उनको अलग करने के लिए हमें कौन सा मेथड यूज करना है, हम आगे डिस्कस करेंगे। आज इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में हम इस टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। टिल देन थैंक यू सो मच।